बरेली में इन दिनों सरकारी कर्मचारियों को प्रेम जाल में फंसाने और रंगदारी मांगने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रेलवे में सरकारी कर्मचारी को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग कर रही युवती और रुपए न देने पर लड़के को 376 दहेज एक्ट में फंसाने की धमकी दे रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना इज्जतनगर क्षेत्र में स्थित रामेश्वर कॉलोनी का रहने वाले अखिलेश कुमार, जो कि रेलवे में गार्ड के पद पर तैनात हैं। कुछ दिन पूर्व अखिलेश की जान पहचान फेसबुक के माध्यम से डेंटिस्ट क्लिनिक में काम करने वाली गीता और बबली से हुई। इसके बाद दोनों लोगों में अच्छी जान पहचान के साथ साथ प्यार भी हुआ, एक दूसरे से सगाई कर ली। लेकिन हैरत की बात तब सामने आई जब लड़के को लड़की की हकीकत के बारे में पता चल जाता है और दोनों में कहासुनी हो जाती है। इसके बाद लड़की के परिजन और लड़की अखिलेश रेलवे गार्ड के घर पहुंच जाती है और उनकी मां बहन से गाली गलौज मारपीट करना शुरू कर दी। कहती है कि शादी नहीं की तो 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाओ। अखिलेश के परिजन घबरा जाते हैं। इसके बाद अखिलेश की बहन माधुरी अखिलेश को फोन कर सारी बात की जानकारी देती है। इसके बाद अखिलेश अपने ट्विटर हैंडल से प्रशासनिक अधिकारी को ट्वीट कर मामले की शिकायत करते और कार्रवाई की मांग करते हैं। मामला ये जो इस समय सभी को पता है, वैसे तो देवरनिया की है, यहाँ अपनी फुआ के साथ रहती थी मेरी कॉलोनी में। कौन सी कॉलोनी आपकी? रामेश्वरम कॉलोनी। फिर आगे क्या हुआ जी? सगाई से कम से कम 10-15 दिन पहले हमें पता चला मतलब कि मेरा भाई और वो दोनों मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर मेरे भाई ने मतलब हम लोग को बताया कि मैं उससे प्रॉपर रिश्ता लेके आए थे। वो इनकी लड़की की उसकी जान पहचान कैसे हुई जी? एक हाँ, इनकी जान पहचान तो फेसबुक के माध्यम से हुई थी जी। उस लड़की ने फेसबुक से नंबर निकाल के मतलब मेरे भाई से चैटिंग वेटिंग जो भी था बात करना शुरू की थी। आगे क्या हुआ? उसके फिर इन लोग की अपनी बातें चाहते साथे होने लगी। फिर हम लोग को तो सगाई के कम से कम 10-15 दिन पहले पता चला है कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं। फिर इनने मम्मी से ही बात की, सबसे बात की, तो फिर हम लोग ने कहा कि चलो ठीक है, अगर भाई की इसमें खुशी है तो हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। उसके बाद सगाई अभी कुछ दिन पहले की बात है, सगाई वाई तो अच्छे से हो चुकी थी, उसके फ़ोटोज़ वगैरह भी हमारे पास हैं। कुछ दिन पहले ही मतलब ये 25 तारीख की बात है, वो लड़की यहाँ पे आई अपने मम्मी पापा के साथ आई, और रहते हैं उन वो भी आए थे। फिर मैं और मम्मी खाली हम ही दोनों थे घर में। फिर मतलब वो बहस होने लगी कुछ कि शादी नहीं करोगे तो हमें इतने पैसे दो वरना मैं बदनाम कर दूँगी, केस कर दूँगी। फिर मेरी भी उस लड़की से थोड़ी बहस हो गई। फिर मतलब वो लोग चले गए यहाँ से। फिर जब भैया आया तो हमने पूछा कि आखिर मतलब ऐसी ये क्या बात हो रही है, तो भैया ने बताया कि उसका करेक्टर मतलब सही नहीं है, और मैंने उसका फ़ोन उनमें भी कई बार लड़कों के नंबर वगैरह देखे हैं। नहीं, आप कैसे जज कर रहे हैं कि करेक्टर सही है? भाई ने मेरे बताया, क्योंकि भाई ने उसके फ़ोन में देखे थे, लड़कों से बात करने के नंबर वगैरह देखे थे व्हाट्सएप पे भी, और कुछ लोगों ने उसे बताया था कि मतलब उसके जहाँ वो रहती है रूम लेके अकेले, वहाँ पे भी आना जाना रहता है कुछ लोगों का, तभी हमें पता चला। अब इसमें यही है, शासन प्रशासन को हमने दे दिए एप्लीकेशन। अब मैं यही चाहती हूँ कि कार्रवाई हो और जो गुनहगार है उसे सजा मिले। कॉलोनी में एक गीता नाम की लड़की रहती थी, जिसको बबली नाम से भी जाना जाता उसको। उसने मुझे फेसबुक के जरिए मेरे से कॉन्टेक्ट किया था, उसके बाद फिर मेरा नंबर मांगा और मुझे मिलने के लिए बुलाया। हम लोग मिलने गए, एक दूसरे को जाना, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग की बात स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद ये मुझसे बोली कि मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे प्यार करती हूँ बहुत। तो मैंने ठीक है, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं अपने घर वालों से बातचीत करता हूँ। घर वालों को मैंने राज़ी किया, तो घर वालों को मैंने कहा कि अपने घर वालों को भी लेके आओ, बात करेंगे शादी उदी की। तो हम लोगों ने आपस में घर वालों को मिलवाया, दोनों की फैमिली राज़ी हो गई थी। फिर हम लोगों ने सगाई कर ली 23 जुलाई को, और सगाई करने के बाद मैंने इसके मोबाइल में एक बार कुछ मैसेज देखे था एक लड़के का, तो मैंने इससे मना किया। मैंने कहा ये सब क्यों कर रही हो तुम, हम लोग की सगाई हो चुकी है, कि हम लोग को अच्छे जीना है, अगर तुम किसी और से बात करोगी तो फिर कैसे हम लोग आगे साथ में रह पाएंगे। तो अब ये बोलने लगी ठीक है मैं बात नहीं करूँगी। फिर कुछ दिनों बाद ये कहने लगी कि तुम अपने घर वालों से अलग रहो, हम लोग की सगाई हो चुकी तो हम लोग अलग रहेंगे कमरा लेकर, ये वो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, मैं कैसे अलग रह सकता हूँ।
फिर मेरे घर पे आने लगी, बार बार घर पे आ जाती थी लड़ने, मेरी माँ से लड़ती थी, मेरी बहन से लड़ती थी और लड़ेगी, फिर मेरी बहन से व्हाट्सअप पे सॉरी मांगती थी। फिर ये लोग 25 तारीख को आए थे मेरे यहाँ, ये पीछे एक सर्विस नाम का रहता है जो रेलवे में बाबू के पद पर है, जिला भंडार डिपो इज्जत नगर में। ये लोग आए, आप भी नहीं? नहीं, मैं रेलवे में गार्ड हूँ बरेली सिटी पर। ये लोग आए कि कह रहे हैं कि तुम लोग शादी करो, अगर शादी नहीं करो तो तुम 20 लाख रुपए दो। अब बताइए, मैंने अभी लोन पे अपना घर बनवाया, मैं लोग को 20 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? ये लोग कह रहे हैं शादी नहीं करोगे तुम झूठे मुकदमे में फंसाएंगे, नहीं तो 20 लाख रुपए दो कहीं से भी ला के। कौन कर रहा 20 लाख? ये लड़की के घर वाले और ये सर्वेस मिल के ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं मुझसे 20 लाख रुपये रहने की, और कह रहे हैं कि कहीं से भी ला के दो। लड़की का गांव का नाम वसुधरन है और देवरनिया के पास है ये गांव, और ये अपना रूम लेकर कर्मचारी नगर में रहती है। और उसके बाद में क्या हुआ, आपने शिकायत इस संबंध में? अभी फिर कुछ 29 तारीख को ही मेरे को शाम को 7 बजे की तारीख को ही मेरे को शाम को 7 बजे के आसपास ये सर्वेस की कॉल आई और ये मुझे गाली गलौज कर रहा था मुझसे फ़ोन पे, और मुझसे कह रहा है कि मेरे पास SSP ऑफिस का फ़ोन आया है, SSP ऑफिस से फ़ोन आया है और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं फ़ोन करके कह रहे हैं कि SSP ऑफिस से फ़ोन आया है, तुम लोग शादी उदी करोगे कि नहीं करोगे और तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन आई है। अभी बताइए SSP साहब किसी को फ़ोन करेंगे क्या? तो मैं इसके घर पर पूछने गया कि आपके पास क्यों फ़ोन आया SSP साहब का, मैं काफ़ी घबरा गया था उस समय। तो बाद में पता लगा ये झूठ बोल रहा था, तो फिर मैं वही शिकायत लेके मैं थाने गया। आपने शिकायत की? मैंने शिकायत की, फिर मैंने ट्विटर के माध्यम से SSP साहब को शिकायत भेजी अपनी। अब मैं चाहता हूँ कि इन लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। भी कुछ लोगों का मुझे हाथ है, ये लोग लेटर बना के वायरल करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं।